not musty. खान खान जगह जेम संग फांग यूनिवर्सिटी के अंदर ही अभी बात करूंगा कि प्राइस वगैरह कैसे है. Yeah, you should join because it's good for health. ठीक है नियन 200 शेन. यार 15,000 की एक साल की उम्र में जहाँ भाई करंटली जिम करता हूँ ना वहाँ इंडिया के 35,000 रुपए एक साल के दे रहा हूँ मैं. ओके ओके दिस वन इज इंक्लूड. यार आप में से जो लोग चाइना में स्टडी करने की सोच रहे हो तो मैं जून और जुलाई के टाइम पे एक प्रॉपर स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा. जगह 200 शेन. भाई मैं बैठ तो गया लिटरली बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार. Hey guys, welcome to my channel, Advik Journey. So, अभी भाई लंच टाइम हो रहा है और मैं कुछ चाइनीज लड़कियों के साथ जा रहा हूँ लंच करने अपनी यूनिवर्सिटी ही कैंटीन में. मेरी कुछ चाइनीज लड़कियाँ फ्रेंड है तो उनका काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था कि आधी साथ में लंच करते हैं डिनर करते हैं, बट यार मेरे पे पिछले कुछ दिनों से टाइम ही नहीं था और मैं एक हफ्ते के लिए तो बीमार पड़ गया था तो मैंने उनको मना कर दिया था. तो आज फाइनली उनसे मिलने जा रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मिलूंगा, मतलब महीनों बाद मिलूंगा उनसे और साथ में हम लंच करेंगे. अभी आपको उनसे भी मिलवाता हूँ. और भाई आज का वेदर ना यार लिटरली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है. आज सनी वेदर हो रहा है, सूरज निकला हुआ भाई एकदम खिलखिलाता हुआ. तो आप देख सकते हो यार आज का वेदर कुछ ऐसा है भाई लिटरली, मतलब यहाँ का व्यू और ये सनी वेदर इसको और भी बढ़िया बनाता हुआ. आई थिंक वो लोग पहुंच गए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया, अभी मैंने मैसेज देखा नहीं. उनका कुछ मैसेज आया. आदि वी हैव अराइव्ड, वेयर आर यू? वी आर एट द सेकंड फ्लोर. भाई चाइनीज बच्चे यार जब इंग्लिश बोलते हैं ना भाई, मतलब चाइनीज एक्सेंट में, मतलब एकदम बना के, तो लिटरली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. जैसे मेरा नाम ना आदि है चाइनीज में, बट चाइना के लोग ना आदि को ना ऐसे मुंह खोल के भाई पूरा ऐसे आदि करके बोलते हैं. लिटरली जब मेरा कोई नाम ऐसे प्रोनाउंस करता है ना भाई, मुझे हंसी आ जाती है. और मैं किसी को बताता भी हूँ ना तो ऐसे बताता हूँ कि मेरा नाम आदि. तो अभी चलते हैं वहाँ कैंटीन पास में. यह लगे यार दूसरी कैंटीन जा रहा हूँ, जिस कैंटीन में मैं लंच करता हूँ उसमें नहीं जा रहा. और यार ये जो कैंटीन है ना यही आसपास में कहीं है, बट लिटरली समझ नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे है, क्योंकि जिस कैंटीन में उन्होंने मुझे बुलाया ना उसकी लोकेशन तो भेजी है. उस कैंटीन में मैं पहले कभी गया नहीं. एक ही कैंपस में ना भाई कम से कम 5 से 6 कैंटीन है, तो मैं एक ही कैंटीन में खाता था जो मेरे मतलब डोमेट्री के पास थी. तो मैंने उनको बोल दिया है कि यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा तो आप लोग ना मतलब अपना लंच वगैरह ले लो, कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में भाई उनका खाना वाना भी ख़त्म हो जाए. तो मैंने उनको बोल दिया खाना तो ऑर्डर कर लो फिर साथ में खा लेंगे, मैं आ ही रहा हूँ 5 मिनट में. मिली नहीं रही यार कैंटीन, पता नहीं किस साइड है. भाई ये जो सामने आप एरिया देख रहे हो ना, ये पहले हमारी कैंटीन हुआ करती थी टेम्परेरी, बट इसको ना वो बना दिया ख्वाहिदी एरिया, मतलब जो भी कोरियर वगैरह डिलीवरी का सामान है सब यहीं आएगा. अब वो वाली रेनोवेशन में चल रही थी बट उसको ओपन कर दिया, तो आई थिंक वही कैंटीन है क्योंकि उन्होंने सेकंड फ्लोर बोला है, तो 2 फ्लोर की कैंटीन यही है. यहाँ पे आ गया कैंटीन पे, होप सो यही करेक्ट कैंटीन हो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आसपास दूसरी कोई कैंटीन है. ये बुफे वाला सिस्टम है यहाँ पे, ये भी अच्छी कैंटीन लग रही है यार. देखते हैं, उनको मैसेज करता हूँ वो लोग कहाँ बैठे हैं. और यहाँ पे देखो स्टडी वगैरह के लिए भी है, मतलब बुक्स वगैरह भी लगी हुई हैं, आप यहाँ पे बैठ के खा सकते हो. बुक्स वगैरह भी खाने के बाद प्लेट रखने का सिस्टम है यहाँ पे. अब पहले तो उन्हें टेक्स्ट करता हूँ कि भाई वो लोग बैठेगा है, फिर वहाँ पे जाके अपना कैमरा वैमरा मोबाइल रख देता हूँ, फिर जाके खाना लेता हूँ. तो भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं दोनों. हे हाय, या आई वाज बिजी. So, okay, let me go and take my food, okay? Then I will come. Okay. Neha. Neha, where are you? Where are you? Yes. What are you doing? Tofu. Tofu. Where are you? Where are you? Yes. Where are you? Where are you? Yes, yes, yes. Two vegetables, veg ki aur ek liya chicken. Kuch aisa hai. चलते हैं इसको खाते हैं. डू यू नो वे इज़ द चॉप स्टिक एंड स्पून? तो भाई काफ़ी हेल्पफुल होते हैं चाइनीज, अपना खाना छोड़ के उठ के आइए मेरे को दिलाने. हाँ ओके ओके ओके. व्हाट यू आर ईटिंग? चिकन. यस चिकन एंड डाचांग. ओके जगह हाउची मा. वेरी डिलीशियस. नीना चीज़. हाँ You eat so healthy. Yeah, because I do gym, so that's why I don't eat oily food. Oh. 我每天出健身房，因为我不要吃油炸菜。
योदा था। दो। तो भाई खाना खत्म करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ, फिर यहाँ पे जाना है अभी मुझे एक जिम देखने, क्योंकि ना मैं अपनी जिम चेंज करने की सोच रहा हूँ, उसकी मेरी मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, तो फटाफट खाना खत्म करता हूँ। यूनिवर्सिटी में ही एक जिम है तो वहाँ पे जाके अभी आज आपको जिम भी दिखाऊंगा कि यहाँ की जिम कैसे होती है। चिकन चिकन खा लिया मैंने, बाकी तो यार छोड़ दिया क्योंकि ये कैंटीन इतनी बढ़िया नहीं है, खाने में स्वाद ही नहीं है। ओके खाना लिटरली भाई दो पैसे का नहीं था, आधे से आधा तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि मेरे को खाने का मन करा ही नहीं, बेकार है यार ये कैंटीन। ओके भाई खाना तो खा लिया, तो यार अब इन लोगों को ना लेके जा रहा हूँ जिम की ओर, तो इनको भी जिम दिखाता हूँ क्योंकि मेरे को अपनी जिम चेंज करनी है, तो एक जिम वाले से बात करी है, वो हालांकि यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, सो इनको बोला है कि साथ में चलते हैं, तो ये कह रही है ठीक है क्योंकि इन दोनों की क्लास नहीं है और इवनिंग में क्लास है तो वो बंक करेंगे दोनों क्लास। भाई ये दोनों ना बाइक से आई हैं और इन्होंने कहीं बाइक लगाई और बाइक भूल गई तो अपनी बाइक ही ढूंढ दी है। ओके गॉट इट। जगह जगह ओह वाओ हाउ कम। ओके लिटिल ब्लू। ओके तो भाई ओके तो भाई इन्होंने बाइक ली। जगह 200 yen 1800। सो भाई 1800 RMB की, मतलब इंडिया के ऑलमोस्ट 20,000 rupees की ये इनको गाड़ी पड़ी है, तो अच्छी है यार काफी। तो हम तीनों को एक बाइक पे जाना है, तो मुझे कह दिए भाई कि यहाँ बैठने को नीचे वो जो था वो बुक है। ओके लेट मी ट्राई। ओके भाई मैं बैठ तो गया भाई, लिटरली बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है यार। ओके यू सिट हियर। ओके ओके यू सिट हियर। यू आप ओके यू सिट देन आई विल सिट, आई वांट टू सी हाउ यू विल सिट। ओके या आई विल टेक योर बैग। ओके गिव मी योर बैग। तो भाई ये बैठ लिया वो आगे क्योंकि मैं तो बैठ नहीं पाया। आर यू श्योर यू कैन सिट हियर? यस सिट बैक बैक। ओके 我的脚怎么抱？那个我学那个教平汤，他蹲在上面，对他蹲的。哦 ，OK，OK，OK，OK。Literally, I never thought China. Every time I go China. Wow, yeah. Interesting. Are you enjoying? Yes, I'm enjoying. भाई वो बैठ नहीं पा रही आगे ढंग से, बार बार पैर निकल जा रहा है। अलग यार मैं अपनी बाइक लेके नहीं आया, मैं अपनी बाइक चलाता नहीं इतना, तो अब ये लोग बाइक से आई थी तो फिर हम तीनों लोग कैसे जाते, तो मैंने इनको बोला पैदल चलते हैं, तो ये कहती नहीं नहीं हमारी बाइक है हम तीनों लोग आ जाएंगे। देन आई सेड कि ओके भाई तीनों चलते हैं फिर, तो अब ये मेरे को लेके जा रही है। फाइनली आ तो गए जिम के पास, ये कैसे तैसे घसीट पसीट के ले आई। बहुत हेल्पफुल है यार, मतलब बहुत हेल्पफुल, थोड़ी दूर थी बट ये ले आई मेरे को। तो अब चलते जिम के अंदर, वहाँ पे मैं अराउंड मतलब 35,000 rupees एक साल के देता हूँ इंडिया के, तो यहाँ पे नई जिम खुली है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मैंने कहा यहाँ पता करता हूँ। तो भाई ये जिम है, पता नहीं उन्होंने कोई ऑफर भी लगा रखा क्योंकि न्यूली ओपन है, तो हाईटेक लग रही है, तो चलते हैं अंदर बात करते हैं। नेहा वो आओ खान खान जगह जिम संग फांग। ओके ओके खाई। सो भाई यूनिवर्सिटी की जिम है ये, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, अभी बात करूँगा कि प्राइस वगैरह कैसे है। तो यहाँ पे स्क्वाट्स के लिए भी मशीन है, ठीक है, फ्री स्क्वाट्स सबसे बढ़िया, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ फ्री स्क्वाट्स है, बाकी ये मुझे और कोई मतलब नहीं है। बेंच यहाँ पे भाई सारे हैं, नई खुली है तो सारी मतलब हाई टेक है, देख सकते हो। अच्छा डंबल देखता हूँ सबसे मैक्स किसके हैं, 35K। ये शोल्डर की मशीन है, ये कुछ ऐसी मशीन है, तो हालांकि देखते हैं यहाँ पे शावर एरिया है, बात वगैरह ले सकते नहीं ले सकते, बाकी तो मशीनें इनके पास पूरी हैं, डंबल वगैरह भी हैं अच्छी हैं, और यहाँ पे अच्छा ओपन लॉकर है। ओ ये है शावर एरिया मैन के लिए, ओ सेम बात वगैरह भी है यार। अच्छा यहाँ पर भी लॉकर है, दैट्स नाइस। ओवरऑल यार काफ़ी अच्छी जिम लग रही है, और मेरी जिम से तो यार मच बेटर है क्योंकि मेरी जिम काफ़ी महंगी है और दूर भी, और सबसे बड़ी बात ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही है जिम, सो अभी प्राइस रेंज वगैरह पता करते हैं तब पता चलेगा बेटर है या नहीं है। जगह हाउ कैन मा व्हाट्स हाउ कैन द जिम इज गुड ब्यूटीफुल
या ब्यूटीफुल यार काफ़ी बढ़िया जिम, मतलब लिटरली अब मेरी मेंबरशिप एक्सपायर होने वाली है, अब सबसे बढ़िया यहीं पे आऊँगा। तो यू ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस जिम? ओके यू शुड ज्वाइन बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ। ठीक है नियन दो सौ छेन वन ईयर ओ जगह हन पियनी I paid 3,000 RMB. 3,000 यार 15,000 की एक साल की उम्र में जहाँ भाई करंटली जिम कर रहा हूँ ना वहाँ पे मैंने 2,800 आरएमबी मतलब ऑलमोस्ट 3,000 इंडिया के 35,000 रुपये एक साल के दे रहा हूँ मैं। और सेम फैसिलिटी सब कुछ भाई वहीं वाली यहाँ पे भी है, मतलब लिटरली यार ये जिम अभी खुली है और भाई बेस्ट जिम है, मतलब मैं तो टाइम मतलब पूरा होने का वेट कर रहा हूँ। 384 वन मंथ ओके आओ आओ आओ很便宜哈，非常好。Winter include winter holiday and summer holiday. Okay, this one is include. This one include. Okay, 你们什么时候开门吗？早上十点到晚上十点。啊 ，what？ 10 o'clock in the morning. In the morning to 10 o'clock evening. In the evening. भाई हमारी यूनिवर्सिटी का एक प्लेग्राउंड है, तो ये लोग मुझे प्लेग्राउंड दिखाने आए हैं कि भाई अगर आपको रनिंग करनी है तो इस प्लेग्राउंड में आ सकते हो। सो ये दोनों वही जिम के साथ में ही है यार, अच्छा है तो यहाँ पे आ सकते हो। ओपन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा है यार इसका, एक मतलब पूरा ट्रैक मुझे लग रहा है होगा वही 1600 मीटर का या 2 किलोमीटर का, दो नहीं यार मतलब 1 किलोमीटर या 1600 मीटर का होगा। डू यू नो इंडियन लैंग्वेज? नो। ओके यू कैन से वी यूजली डू ग्रीटिंग्स लाइक दिस, नमस्ते या नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते या इट्स लाइक नी हाउ। Oh, namaste. Yeah, do. Namaste. We next time see you, we will do this. Namaste. Namaste. Yeah, and we say ni hao ma. Aap kaise ho? Aap kaise ho? Wah, ni hao ma. तो भाई ग्राउंड भी देख लिया और मैंने हालांकि इनको हिंदी लैंग्वेज भी सिखा दी कि नमस्ते आप कैसे हो ये सब बोलना सीख गए, तो अब इनको भेज देता हूँ और फिर मैं भी चलता हूँ अपनी डोमेट्री की ओर, काफी सारा काम है। बाय 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 यू कैन गो इंडियन वी से बाय बाय यू आल्सो से बाय बाय या दो या and we also say namaste while going somewhere. Namaste. Yeah. Huh? Namaste. Yeah. Ni hao ma. It's not ni hao. It's mean like whenever you meet someone, you say namaste. Oh. And whenever you are going somewhere, so we say like okay namaste, oh. Bye bye. Okay namaste. Okay, yeah. Namaste. ओके बाय बाय नमस्ते। सो यार आप में से जो लोग चाइना में स्टडी करने की सोच रहे हो तो मैं जून और जुलाई के टाइम पे एक प्रॉपर स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और लिटरली वो वीडियो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी कि आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उस एक वीडियो से आप लोगों को पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि भाई कैसे अप्लाई करना है क्या करना है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये ओपन होती है नवंबर के टाइम, नवंबर से मार्च के बीच में ओपन होती है, तो कोशिश ये रहती है कि मतलब आप दिसंबर तक अप्लाई कर दो स्कॉलरशिप के लिए, तो उससे पहले ही मैं मतलब जून जुलाई में एक भाई प्रॉपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और डेफिनेटली वो वीडियो इतनी हेल्पफुल होगी ना कि आपका मतलब कहीं जाने का कुछ भी नहीं होगा, आपको एक वीडियो से ही सारी नॉलेज मिल जाएगी और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं है चाइना में, इवन तो चाइना क्या कहीं पर भी कैनेडा जर्मनी कहीं पर भी आप चाहते हो ना, बस थोड़ा हैक्टिक होता है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोसेस, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी सर्च करना सब कुछ फाइंड करना, तो हर कोई मतलब खुद से नहीं कर पाता, लोगों को काफ़ी लगता है कि यार कितनी सिरदर्दी है, बट अगर आप यही चीज़ खुद से कर लो ना तो भाई वे तो काफ़ी सारे हैं अब्रॉड में स्टडी करने के। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो यार मैं जून जुलाई के टाइम बनाऊंगा क्योंकि अब स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है, तो अब भी वीडियो बना के अभी कोई फ़ायदा नहीं है, स्कॉलरशिप ओपन होने से 2 महीने पहले मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ रेडी कर सको और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सको चाइना में स्टडी करने। आज बाकी भाई जो सामने ये अंकल आ रहे हैं ना पूरे एकदम चाइना ड्रामा की वाइब दे रहे हैं, मतलब इन्होंने जो कंधे पर टांग रखा है ना लिटरली। अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूँ, चाइनीज़ लोग जो
जो है ना जितने भी चाइनीज स्टूडेंट है ना स्पेशली ये ना फॉरनर्स है ना फॉरनर स्टूडेंट से बात करते नहीं है इजीली क्योंकि इन लोगों को ना इंग्लिश आती नहीं है इतनी ढंग की तो ये ना कहीं नर्वस होते हैं और घबराते हैं इनसे बात करने में। बट अगर कोई फॉरनर है जिसको चाइनीज़ आती है ना और भाई वो कैसे जैसे जाके मतलब चाइनीज़ से इंटरेक्ट करता है और उनको मतलब चाइनीज़ में बात बात करके फ्रेंड बना लेता है ना तो फिर भाई लिटरली आपका ना चाइना का पूरा एक्सपोजर ही चेंज हो जाता है क्योंकि आपको बहुत सी ऐसी इन डीप चीज़ें मिलती हैं जो चाइनीज़ लोगों को ही पता होती है वो लोग आपको गाइड करते हैं और बाकी सब चीज़ें भी ना मतलब पूरा एक्सपोजर चेंज हो जाएगा। चाइनीज़ कैसे रहते हैं उनके साथ खाना पीना बात करना तो ये सब चीज़ें आपको ना नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। ये हालांकि चाइना ही नहीं हर एक कंट्री में होता है कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के नेटिव से इंटरेक्ट करोगे ना तो आपको यार चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और वहाँ की चीज़ें ज़्यादा आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। कल आपने देखा एक ऐसा रहता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का दिन अब्रॉड में कुछ ऐसी यहाँ पे लाइफ चलती है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आज विक जर्नी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू माय यूट्यूब फैमिली। बाय बाय। हैव फन।